सऊदी अरबी जा, अभी एक भाई का कमेंट आया था कि वेल्डिंग का एक वीडियो बनाई है सऊदी अरब में, तो देखिए यहाँ पर सब, यहाँ पर सनैया नाम है और सब वेल्डिंग का काम होता है, देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो सब वेल्डिंग का काम हो रहा है। तो अभी एक भाई है, उनसे पूछेंगे कि इनका क्या हिसाब किताब है और कितना इनका सैलरी है। देखिए अभी ये हैं, तो इनसे भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं सब यहाँ पर वेल्डिंग होता है, ये देखिए सब यही सब मिलता है बनाने के लिए, देखिए ये सब बना कर रखे हैं, ये मंगल उंगल बोलते हैं, देखिए यही सब बनता है। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं सऊदी अरब से भाई। तो अभी देखिए आप किधर से भाई? हाँ मैं तो भाई बांग्लादेश का है। अभी बांग्लादेश से हैं, क्या नाम है उसका? मेरा नाम काबिल है। काबिल नाम है। तो आप कितने आदमी इसमें काम करते हैं? मेरा वर्कशॉप अभी 3 आदमी काम करता है, पहले तो बहुत आदमी था, अभी तो कोई हिंदी हिंदी है? कोई हिंदी हिंदी है? हिंदी एक भाई है, वो उधर भी काम कर रहा है। ये हिंदी है? देखिए ये भाई हिंदी है, देखिए हिंदी है। तो वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इरफान। इरफान नाम, कहाँ से हैं आप? हम जौनपुर मछली शहर से, इंडिया, यूपी जौनपुर, यूपी जौनपुर मछली शहर से। हाँ, तो अभी कितना साल हो गया आपके यहाँ? मुमकिन एक साल हो गया मुझे आके। साल भर अभी इनका हो गया सऊदी अरब में, देख सकते हैं आप। तो अभी नए हैं, अभी नए मिल गए हैं और नए आदमी के लिए हम बना रहे हैं ताकि आप लोग का कुछ हेल्प मिल जाए और आप भी समझ सकें। तो अभी क्या हिसाब किताब है, क्या है, क्या है कंपनी है कि कपिल का नाम पर है? ये वर्कशॉप है, यानी कपिल का नाम पर है, दुकान है, शॉप है। तो अभी ये बताइए, अभी आपका साल भर हो गया, अभी उधर से जब वेल्डिंग कर, उधर तक कर रहे थे ना वेल्डिंग? हाँ, उधर मैं करीब तकरीबन 12-13 साल काम किया लाइन में। हाँ, तो अभी इधर चले आए तो क्या दिक्कत कुछ हो रहा है? हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम करने में फिर भी यहाँ पे एक मरतबा अगर जो नया आदमी आएगा तो प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब इसे यहाँ का अरबी मालूम नहीं है। अरबी लाजिम चाहिए, लैंग्वेज अरबी होना चाहिए, ताकि सऊदी आते हैं, लेकर जाते हैं, थोड़ा उनसे बातचीत करने के लिए अरबी लाजिम चाहिए, उनको बात करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो आप कैसे बात करोगे आप उनसे? जब बात नहीं करोगे तो आप कुछ यहाँ कोई आदमी कोई मतलब नहीं है। कपिल अच्छा है, बढ़िया है, कपिल अच्छा है, कोई दिक्कत है, टाइम से सैलरी देता है? हाँ, टाइम से सैलरी है, कोई मुश्किल नहीं। हकामा किसका है? हकामा अपना है, खुद का है। हकामा कितना लगता है? 2,500 लगता है मुमकिन। 2,500 यानी कि महीने का 208 रुपया? दो सौ 208 रुपया महीने का, 208 रियाल, 208 रियाल। हाँ, 208 रियाल। अच्छा, और खाना कितना आ जाता है, मैंने खाना का? खाना मुमकिन 350, 350 रियाल खाना का आ जाता है। और रूम का? रूम का भी 350। यानी पूरा टोटल महीने कितना आ जाता है? 650 आता है पूरा टोटल महीने का। हकामा का आप, हकामा आपका रूम, आपका खाना, आपका खाना मेरा है। कपिल अच्छा, बढ़िया। हाँ, सब अच्छा। तो माने जो उधर काम करते हैं उधर अपने यहाँ इंडिया में, तो ये बताइए अगर सऊदी आए तो अच्छा है कि उधर ये सही है? अगर महीने का अगर 15,000-20,000 रुपये निकाल रहा है वो उधर इंडिया में, इंडिया में तो आने की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। क्योंकि ले दे के वही पड़ता है, वही लगता है। हाँ, ले दे के वही पड़ता है। और जो बेरोजगार है, कोई काम नहीं उसके पास, वो आ जावे इधर, कोई मुश्किल नहीं। तो भाई देखिए अभी ये बांग्लादेश का है और ये इंडिया का है, जौनपुर का है, यूपी का, ये बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं वो इधर चले आए, नहीं तो भाई उधरिया 15,000 बच जाए तो उधरिया काम करिए, इसलिए इधर भी खर्चा है, महंगाई का जमाना है अभी। तो आप देख सकते हैं, तो अभी उसे को घंटा ड्यूटी चलता है? 10 घंटा ड्यूटी चलता है। ओवर टाइम नहीं है? ओवर टाइम कोई मतलब 10 घंटा में वैसे ही आदमी तावान हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो 12-13 घंटा माल मुमकिन अगर काम रहेगा तो आदमी करता ही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2-3 घंटा बेसी भी चलेगा तो ओवर टाइम तो मिलता नहीं है? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, रियल मिलता है, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? 1 घंटा कितना मिलता है ओवर टाइम का? अब मिनिमम मान चलिए 1 घंटा 10 रुपये घंटा पकड़ लीजिए, 10 रियाल रुपये, 10 रियाल घंटा। हाँ, ऐसा ही ओवर टाइम चलेगा तो। ओवर टाइम चलेगा तो। सुबह कितना बजे आते हैं? सुबह हम यहाँ 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे आते हैं। दोपहर में रेस्ट मिलता है? हाँ, दोपहर में 1/2-1.5 घंटा रेस्ट, नाश्ता तो करने का रेस्ट मिलता है, तो सब अपने पास से खाना पड़ता है? नहीं नहीं, दोपहर का खाना जो है कंपनी देती है, दोपहर का नाश्ता कंपनी? नहीं नहीं, कपिल ना है, कपिल है तो वर्षाप है ना, कंपनी से कांटेक्ट है, कंपनी से कांटेक्ट किया है। हाँ, तो मान लीजिए कि मैंने खाना वो देता है, सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना देता है वो, शाम का जो खाना है वो अपने हाथ से बनाना खाना पड़ता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना वो देता है, कपिल देता है, कपिल देता है, 2,500 रियाल से ले देता है, वो बताएं 10 रियाल, 10 रियाल 1 घंटे का। एक घंटे का। हाँ, तो आप देख सकते हैं, देखिए ये भी बांग्लादेश से हैं। तो आप लोग तो आपको कितना साल हो गया था? मेरा तो भाई अभी 17 साल हो गया। सत्रह साल हो गया? हाँ। तो आपका तो सैलरी ज़्यादा होगा?
नहीं, इधर तो मेरा तो सैलरी नहीं है, ये तो मेरा कोपिल का दुकान है। मैं कोपिल को महीना में साल में 5,000 रियल देता हूँ अकामा के बाद, अकामा के साथ में बाद में वो कोपिल मेरे को अकाम बना देता है, इसमें कोपिल का कोई दखल नहीं है। क्या ज़्यादा इधर क्या मिलता है बनाने के लिए? ज़्यादा तो वो डोर का काम मिलता है, डोर का काम, सीढ़ी का क्या, दरवाजा, सीढ़ी का दरअ मिलता है, फिर दरवाजा का मिलता है, फिर वो मुजल्ला का झींगा का मिलता है, हर कुछ, हर दत का हर कुछ काम इधर मिलता है, शोभा का काम हर कुछ मिलता है, बस ये काम है इधर। और मैं एक बात बोलूँगा, जो आदमी इंडिया में वो बांग्लादेश में जो आदमी काम नहीं कर रहा है वो आदमी को इधर भेजने का, जाने उसको मालूम हो जाएगा यानी काम कैसा है। वो घर पे बोट बोट पे खाके वो बाबा को तंग कर रहा है, माँ को तंग कर रहा है, वो आदमी इधर भेजो। और जो आदमी काम उसको मालूम है, माना में 20,000, 25,000, 15,000 कमाता है, उसको भेजने का जरूरत नहीं है कि उधर उधर ही अच्छा है। देखिए भाई, इनका कहना है कि जिसको जो है कि उधर जो अच्छा रुपया कमा लेता है, जैसे 20,000, 15,000 कमा लेता है, तो इधर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी इधर आओगे ना, सब लेन देन सब लेकर सब वही पड़ जाता है। जैसे कि इधर भी मान लीजिए खर्चा बहुत ज़्यादा, महंगाई का जैसे ज़माना है, तो उधर इधर भी और उधर भी, अगर उधर कोई एकदम बेकार आदमी है, कोई काम हम नहीं करता है, वेल्डिंग का काम नहीं, मैंने उसको ज़्यादा रुपया नहीं, वो जो आदमी काम नहीं करता है घर पे, माँ को तंग करता है, बाबा को तंग करता है, उसको पैसा चाहिए घूमने के लिए, पैसा चाहिए, बात नहीं मानता है, उन लोग को बाहर में भेजना चाहिए, सऊदी भेज देना चाहिए, सऊदी को, दुबई को, जोहार जगह में भेजना चाहिए। वो उसको मालूम होना चाहिए काम कैसे करना है, जो जिम्मेवारी नहीं समझता अपने घर का, उसको विदेश भेज देना चाहिए, उसमें विदेश में भेज दो, बाद में 1 साल 2 साल 3 साल का बाद उसको मालूम हो जाएगा वो पिताजी कैसे है, माँ कैसा है, काम कैसे करना है, खाना किधर से मिलता है, सुबह टाइम बजे 7 बजे गाड़ी में उठना है, काम पे आना है, नहीं तो कोई पहले खुरुज मार देगा, हर कुछ उसको मालूम हो जाएगा, वो टेढ़ा आदमी सीधा हो जाएगा भाई, आदमी सीधा हो जाएगा, बस जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा उसका, जिम्मेवारी क्या चीज़ होती है। हाँ, और जो अभी तो बात यही है, अभी जा जे 2023 साल चल रहा है, अभी बहुत हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है, आदमी का पास बहुत काम नहीं है, काम बहुत कम है, लेकिन दया जाक अल्लाह करीम क्या करेगा सामने, एक ना एक तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग का तो अभी इतना है, हम लोग पहले बहुत पैसा कमाया, अभी हम लोग को अभी दिल नहीं लगता है, क्यों, अभी काम भी नहीं है, बस ये बात है। इंशाल्लाह फिर भी इंशाल्लाह मुमकिन अच्छा होएगा, तो फिर आदमी लोग देखो 6 महीना 1 महीना रुको, बाद में देखो अच्छा होएगा तो आ जाओ, बस ये बात है। ये बांग्लादेश का है, इनका भी राय जान लीजिए, और ये तो हिंदी है, इंडिया के, इनका भी राय आप देख लीजिए क्या राय क्या मैंने कह रहे हैं। तो आपको यही समझाने का हम कोशिश किए हैं कि उधर इंडिया में या बांग्लादेश में या सऊदी में आने में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है आपको। तो भाई एक काम करिए, थोड़ा बोलिए कि जो भी व्यूज हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा मोटिवेट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेट करते रहें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो बन सके, दूसरों का भी जो नए लोग हैं आए तो उनका कुछ हेल्प मिले, जान के कुछ मान लीजिए मन का संतुष्टि मिलता है, जैसे देखते हैं वीडियो ये सब। तो थोड़ा बोलिए सब्सक्राइब को लेकर, भाई आप इनको सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन के लिए आप इनका लाइक कीजिए, ताकि इनका व्यू जो है आगे बढ़े और लोग देखें और आप लोग जो है ये करें। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू।